Hello, dear students. Welcome to the class today. And um, so, we are uh, proceeding with this chapter, chapter 5, uh, chapter 7 history, tribals, nomads, and settled communities. Okay. Please understand this is a new chapter which is talking about the different communities which are settled in the forest now whatever we were talking about in the previous chapter we discussed about the towns traders and craftsperson but this chapter we are talking about the uh, tribes nomads and the settled communities काफ़ी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं वी हैव कम टू नो अबाउट मेनी सेटल्ड पीपल मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द नोमिक पीपल हु वे आर मूविंग कंटिन्यूअसली मूविंग फ्राम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दी कम्युनिटीज विच वे आर सेटल्ड इन द जंगल्स विच वे आर सेटल्ड इन द रूरल एरियाज ठीक है बिल्कुल गांव से लगे हुए जो फॉरेस्ट uh, एरियाज होते थे दोज फॉरेस्ट एरियाज वेयर इनहैबिटेड बाय दी ट्राइब्स दीज ट्राइब्स विच वेर देयर एंड द ट्राइबल पीपल हु वेर देयर दे वे आर इन मूव दे आर कंटिन्यूसली ऑन मूव एंड सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जो हमने बात की the biggest tribal community we have talked about was from rajasthan the banjaras got it now abham karenge? or please understand tribal communities were engaged in many activities Kaafi wo karte the. they were not only um, practicing agriculture they were a pastoralist. गाय भेड़ बकरी रखते थे उनको पैस्चर लैंड में लेके जाते थे जहाँ पे वो चरवा चरते चरवाते थे अपने गाय भैंस बकरियों को एंड दे वे आर ऑल्सो कीपिंग पीपल हु वे वेरी गुड एंड क्राफ्ट्स लहंगा बनाना दुपट्टे बनाना यस आई मीन राजस्थान में स्टिल वेन यू विल बी गोइंग कभी राजस्थान जाने का मौका मिले जयपुर है जोधपुर है उदयपुर है सम ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेस इन राजस्थान यहाँ पे द कम्युनिटीज दैट आर देयर हु आर नो मैथ एंड हु कीप ऑन मूविंग दे आर ग्रेट क्राफ्ट पर्सन काफी क्राफ्ट में उनका कोई जोड़ नहीं है एंड आई मीन नोबडी कैन कॉम्पीट देम इन द क्राफ्ट वर्क तो ये सारी चीजें जस्ट आई वॉज गिविंग यू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल हैव डन ओके अभी हमको समझना है न्यू कास्ट एंड न्यू हायर न्यू कास्ट क्या हुआ कि ट्राइबल कम्युनिटीज हमेशा मूव करती रहती थी दे वे कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस मूव करते करते क्या हुआ सम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज स्टार्टेड सेटलिंग इन्होंने क्या किया कुछ जगहों पे ये सेटल होने लग गए एंड वहाँ की जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी जो लोग वहाँ पे रहते थे उनके साथ दे वेयर मिक्सिंग अप और जो भी विच अवर कास्ट वॉज देयर विच अवर क्रीड वॉज देयर जो भी कास्ट के लोग थे जैसे भी रह रहे थे उन्हीं में मिक्सअप हो गए तो जब ये मिक्सअप हो गए तो अलग तरीके का एक ग्रुप डेवलप हुआ विच वॉज कॉल्ड एज जाति और ये जाति किस में आई सम ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वेयर देयर हु वेयर बेस्ड ऑन द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज दे वे टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कास्ट एंड द सोसाइटीज दैट वेर देयर दे वेर

तो मेनी ट्राइब्स वे अब ये क्या काम करते थे दे वेयर लाइक ब्लैक स्मिथ लोहार का काम करते थे दे वेयर लाइक कारपेंटर्स ठीक है लकड़ियों का काम करते थे एंड दे वेयर मेस मेसन जो घर बनाने का काम करते हैं गॉट इट दे देवेर तो स्मिथ ब्लैक स्मिथ्स वेर देयर कारपेंटर्स वेर देयर मेस वेयर देयर तो इनको इनकी एक अलग जाति बना दी गई वेर रिकोगनाइज एज सेपरेट जाति ब्राह्मण्स ने कहा कि ये जाति है इनका काम के हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है तो जाति में इनको डिवाइड किया गया देयर वरना नहीं थे बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी जाति वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन क्या काम कर रहे हैं सोनार की जाति लोहार की जाति मर्चेंट्स हैं जैसे क्या कहें साहूकार की जाति जातियों में इनको डिवाइड कर दिया गया इट पहले वर्णा सिस्टम बस देर ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र क्लासिक्स में आपने पढ़ा होगा कैटेगरीज थी फोर कैटेगरीज के अलावा भी नई नई कैटेगरीज होने लगी ओके okay? अब हमको इन जातियों के बारे में कहाँ से पता चलता है हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दीज जातिज प्लीज अंडरस्टैंड इसमें ट्वेल्थ सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन है वी हैव गॉट दिस ट्वेल्थ सेंचुरी इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है प्लीज अभी ये साउथ में साउथ के द पीपल इन द साउथ वे आर वेरी लर्नेड बहुत पढ़े लिखे थे तो जो भी इनको आइडियाज़ था वॉट एवर नॉलेज दे हैड दे हैव पेंड इड डाउन इसको इन्होंने लिखा हुआ है जैसे उया, उया कोंडन उदयूर हाँ इंस्क्रिप्शन है कहाँ का कोंडन उदयूर एंड इन uh, तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली तालुका जो था तिरुचिरापल्ली इज द नेम ऑफ अ प्लेस तिरुपति बालाजी जहां पे है नाम सुना होगा वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल्स उसी के पास में तिरुचिरापल्ली रीजन इज देयर इन तमिलनाडु इन्होंने बताया कि देयर वॉज सभा सभा होती थी इन जातियों की मतलब गैदरिंग्स होती थी विच वॉज इन सभा एंड सभा ऑफ द ब्राह्मण प्लीज अंडरस्टैंड पहला तो आपको यह समझना है कि ट्वेल्थ सेंचुरी इंस्क्रिप्शन मिला है हमको लिखा हुआ है इट इज ऑल रिटर्न हम खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं वी हैव गॉट रिटन एविडेंसेज ऑफ दैट कहां से मिला है उयाकोंडन उदयूर उडन उया उदयूर तिरुचिरापल्ली तालुका से ये है प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड इन्होंने बताया है कि एक सभा होती थी ब्राह्मण्स की दे सेट कि ग्रुप वाज कौन अभी उन्होंने कहा कि देयर वाज वन ग्रुप विच इज डेवलपिंग क्या नाम था रथकारा रीन चैरियट मेकर्स था विच वॉज मेकिंग द रथ यू नो द रथ महाभारत रामायण सीरियल आता है उसमें यू माइट है रथ अरे रामायण महाभारत क्यों अभी बाहुबली देखी होगी एवरी बडी है बाहुबली में वो नहीं सामने में तीन चार पांच घोड़े लगा के एंड व्हाट द नेम ऑफ दैट बाहुबली का जो ब्रदर था क्या नाम था उसका वो रथ लेके चलते थे गड़गड़ गड घोड़े बांध के उसको चलाया जाता था बहुत स्पीड में दैट वॉज कॉल्ड एज अ रथ किसी ने तो बनाया होगा

टेम्पल का जो मतलब पहले क्या होता था मंदिर जो होते थे मंदिर के जो एंट्रेंस होता था द गेट दैट वॉज देयर फ्रॉम वेयर द पर्सन यूज़ टू एंटर द टेम्पल वहाँ पे बिग गेट्स वेर देयर बहुत बड़े गेट बनते थे एंड उसके ऊपर खूब सारी कारीगरी होती थी सो मेनी पिक्चर्स वेयर मेड ऑन दैट एंड वुडन इक्विपमेंट वॉज देयर सर सेक्रीफाइसेस मतलब लोगों को बलि देने के लिए वुड एन इक्विपमेंट वॉज देयर

मतलब एक तो रथ ओपन रथ है जो कि वॉर में यूज हो रहा है देन देर वेर को क्लोज रथ जिसमें क्वीन बैठती थी तो गेटवेस भी बनाए गए फॉर टेम्पल्स इमेज वे आर मेड ऑन दैम वुडन इक्विपमेंट वॉज दे आर मेड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस बिल्डिंग मंडप मेकिंग जल्स फॉर द किंग मतलब किंग uh, के लिए uh, हीरे मोती वाले आभूषण बनाना ये सब भी इनके काम में ही इंक्लूडेड था गॉड एड तो अभी ये समझो कि वी हैव गॉट एविडेंसेस अबाउट जाति दे देवे नॉट द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र दे वेयर फ्रॉम अदर कैटेगरी जिनका काम था रथ बनाना एंड दे वेयर कॉल्ड एज द रथकार और खाली रथ ही नहीं बनाते थे और भी चीजें बनाते थे नाउ वॉट हैपन कहानी आगे बढ़ाते हैं सब तो कहानियां हैं क्षत्रिया में क्या था देर वॉज न्यू राजपूत ग्रुप वॉज कमिंग अप राजपूत आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन नाउ कम ऑन डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो द क्लैन राजपूत फैमिलीज वेर देयर बिग फैमिलीज वेर देयर दे बिकेम वेरी पावरफुल इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी स्पेशली एंड देर वेर ह्यूनाज चांडेलाज चालुक्याज एंड मेनी अदर्स वेर देयर तो दे वेयर दे हैव बीन ट्राइब्स अर्लियर पहले क्या था दे वेर द ट्राइबल पीपल ये द क्षत्रिय द राजपूत क्लैंडर देयर द पीपल हु यूज टू कॉल देम सेल्स एच राजूत एंड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी में दे वेर वेरी पावरफुल दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेज लाइनेज मीन्स इनकी अलग तरीके का एक ट्रेडिशन uh, था कस्टम था

स्टेट्स, ठीक है अभी इसको प्लीज इस तरह से समझो कि द डिफरेंट हम जो जिनके बारे में बातें कर रहे हैं द ह्यूनास द चांदेलास द चालुक्यास ऑल दीज रूलर्स देयर पहले क्या था ये रूलर्स भी पहले ट्राइबल ग्रुप ही थे लेकिन आप ये देखो मेहनत करके ऑर्गेनाइज वे में काम करके दे केम अप टू लेवल ऑफ द किंग मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है ऐसे दिमाग में एक बात आ रही थी सो आई शेयर विथ यू ऑलवेज वर्क हार्ड ट्राई टू डू समथिंग गुड एंड डेफिनेटली गुड विल कम टू यू अच्छा ही कुछ होगा ओके तो दे वेयर कॉल्ड एज राजूत दे रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स पुराने जितने रूलर्स थे उनको हटा के दे बिकेम द रूलर्स एंड स्पेशली जहाँ पे एग्रीकल्चरल एरियाज वेयर देयर एंड डेवलप सोसाइटीज वेर इमर्जिंग एंड रूलर्स ने क्या किया इनके पास रूलर्स के पास काफी पैसा होता था दे यूज टू हैव lot ऑफ मनी एंड दे क्रिएटेड पावरफुल स्टेट्स ऐसी टेरिटरी बनाई ऐसी जगह बनाई जहाँ पे दे कैन रूल पावरफुली तो ग्रेजुअली एंड स्लोली आप देखो ये समझने की कोशिश करो दैट दीज ट्राइबल पीपल हु वेर there दे केम अप टू दैवल ऑफ द रूलर्स और जब ये रूलर्स बन गए तो सम ऑफ द पीपल स्टार्टेड टेलिंग के दे वे आर फ्रॉम द राजपूत ग्रुप राजपूत क्लाइन इनको बना दिया गया दे सेट एन एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल गॉट सो सच ए गुड आइडिया कि अगर वन ट्राइबल ग्रुप कैन कम अप टू दैवल ऑफ रूलर्स अगर एक ट्राइबल ग्रुप जो है Kama comes up to the level of rulers. Why couldn't the other tribal groups also do this? So many Brahmins, with the support of Brahmins, what happened? Gradually and slowly, many tribal people were becoming the ruling class. They joined the ruling class. And a large majority now joined the lower jatis of the caste society. Caste system that was very prevalent in India. ओके ऑल दिस कास्ट सिस्टम दैट वाज प्री इन इंडिया उसी में से वी वी गेटिंग रूलर्स छोटी जाति के थे ट्राइबल फैमिलीज के थे लेकिन दे रोज टू द लेवल ऑफ द रूलर्स एंड देर वॉज बहुत, बहुत कहाँ पे पंजाब सिंध अब ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान है ओल्डन टाइम्स में इट वाज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड डब्ल्यूएफपी एफ पी एंड अभी क्या हो रहा था दीज रूलिंग क्लासेस जो कि ब्राह्मण्स थे दे वेर फ्रॉम द राजपूत क्लैन दे रोज टू द लेवल ऑफ द रूलर्स ग्रेजुअली एंड स्लोली इन्होंने क्या किया कास्ट सिस्टम बहुत था हिंदुज्म में देर वॉज लॉट ऑफ कास्ट सिस्टम विच पीपल डिड नॉट लाइक इट अपर कास्ट ऑल यूज टू डोमिनेट द लोअर कास्ट लोअर कास्ट को यह अच्छा नहीं लगता था सो लोअर कास्ट मैनी टाइम्स अपोज द अपर कास्ट अपर कास्ट को अक्सर ही अपोज करते थे एंड दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम अनईक्वल सोशल ऑर्डर ठीक है बिकॉज हिंदुइज वॉज प्रैक्टिस्ड एंड इन हिंदुइज्म देयर वॉज डोमनेंटली कास्ट सिस्टम बहुत स्टेर हायर कास्ट को बहुत ऊँचा स्तर मिला हुआ था एंड लोअर कास्ट वे आर इंसल्टेड मैनी टाइम्स तो पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इस्लैम उन्होंने कहा कि ये हिंदुजम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सो हिंदुजम को छोड़ के और दूसरे धर्म को अपनाना शुरू कर दिया लोगों ने तो नाउ वीज स्टेट विच वी आर कमिंग अप All these areas which were coming up, they were related to social changes amongst the tribal people. Tribal people may there were a lot of changes that was happening. Abhi kya changes ho tha tribals mein? This is what is explained here that we will be understanding. Theek the tribal groups which were there, they were not included in any caste. टर ऑन दॉड द स्टेटस ऑफ द कास्ट कास्ट नहीं गॉड द स्टेटस ऑफ दी जाति एंड जाति वॉज रिकोगनाइज ऑन दर्क दैट दे वेर डूइंग क्या काम कर रहे हैं उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया आफ्टर दैट सम ऑफ दीज क्लैंस सम ऑफ दीज ग्रुप्स दे केम अप टू दफ द रूलर्स ये रूलर्स बन गए और फिर क्या हुआ? बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स विच वेयर देयर इन द दे जंगल एरिया दे गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि अगर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में से समबडी हैज बिकम द रूलर तो इट वाज अ वेरी फेयर चांस फॉर देम उनको भी आने वाले दिनों में हो सकता है रूलिंग मिल जाए ओके okay? तो हाउ इट हैड हैपेंड अभी हम इसको समझेंगे थ्रू द लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ द गोंड्स सका एग्जाम्पल लेंगे वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गोंड्स पहले तो ये समझो कहां रहते थे गोंड्स वे आर लिविंग इन द गोंडवाना लैंड ठीक है गोंडवाना का नाम ही पड़ा है गोंड्स के थ्रू गोंड्स के नाम पे ही अभी भी स्टिल द गोंडवाना गोंडवाना लैंड कहां पे है दिस इज इंडिया ये डेकन रीजन ये जो मिडिल पार्ट है ना दिस इज कॉल्ड एम पी एंड छत्तीसगढ़ जो है प्लीज अंडरस्टैंड एम पी एंड छत्तीसगढ़ एरिया ओल्डन टाइम्स में इट वॉज कॉल्ड एज दी गोंडवाना लैंड एंड क्या काम करते थे ये दे वे प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन अब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या था जस्ट सी इट इज मैं शिफ्ट का मतलब आपको पता है ठीक है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दर प्लेस इज शिफ्टिंग ट्रीज वेर देअर बुशेस वेर देयर फॉरेस्ट एरिया में दे वेयर फर्स्ट कट देन दे देर बर्न एंड द क्रॉप्स ये जो पहले क्या होता था कि जंगलों को जला देते थे उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में आग लगा देते थे आग लगाने के बाद इसका जब आग बंद हो जाती थी एंड देन आई एम सॉरी देन देर बचती थी उसमें दे यूज टू थ्रो द सीड्स बीज उसमें डाल देते थे एंड उसी में से क्रॉप यूज टू ग्रो और जब काफी दिन तक इसी तरह से दे दूस टू तो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर उसके बाद कुछ दिन के बाद वॉट यूज टू हैपन दैट द लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी साल दर साल आप उसी में खेती कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद आउटपुट इज नॉट वेरी गुड तो देन देन यूज टू मूव टू अदर लैंड फिर भाई फॉरेस्ट एरिया है बड़ा एरिया है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे तो आ, आ, वहां पे दे यूज टू क्लियर द जंगल प्लांट बर्न द जंगल और उसके एशेस में ये सीड्स लगाते थे एंड प्लांटेड इट इन द सेम वे शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करते थे दे यूज टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड दैट इज हाउ दे ऑन कैरीडन कल्टीवेशन प्रोसेस अब हुआ कि गोंड ट्राइब्स देयर दे देर डिवाइडेड इन स्मॉलर छोटे छोटे ग्रुप्स थे क्लैन देखो ग्रुप ही होता है कुछ क्लैन सम क्लैंस आर वेरी बिग एंड सम क्लैंस आर वेरी स्मॉल तो ये जो बिग और स्मॉल ग्रुप को मिला के जो एक फैमिली uh, 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 बनती है या एक पूरा का पूरा गांव बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्लैन ओके एंड एवरी क्लैन जितने भी ग्रुप्स थे सभी क्लैन में दे आर यूज टू बी अ राजा राजा आपको पता है कम ऑन डोंट टेल मी राजा और पहले के जमाने में दे वे आर कॉल्ड एज द राय ऑल्सो So the power of the Delhi Sultans it was declining. Just see it is mentioned here. Delhi Sultan's power was declining, and uh, the Gond kingdoms, the uh, small Gond kingdoms, the Gondwana land that was there, they were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. Okay, large Gond king Gondwana land was there which was occupied by the Gonds and the large groups which were there. डोमिनेटिंग द स्मॉलर ग्रुप्स। तो अकबर ये हमको कहाँ से पता चलता है फ्रॉम वेयर आर वी नोइंग अबाउट वी आर नोइंग अबाउट दी गोन्मा अकबरनामा अकबर के टाइम में ये बुक लिखी गई थी इन्होंने बताया है कि गोंड किंगडम जो है गरहा कटांगा, गरहा कटांगा। गरहा कटांगा नाम है जगह का वहाँ पे देर वेर सेवेंटी थाउजेंड विजेस गोंड किंगडम ऑफ गरहा कटांगा में आप इमेजिन करो लुक एट द साइज ऑफ क्लैन कितनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है प्लीज अंडरस्टैंड दैट द फैमिली दैट इज देयर द एक्सटेंशन दैट इज देयर सेवेंटी थाउजेंड विलेजेस इज अ बिग नंबर और एक एक विलेज में ऐसा तो है नहीं कि एक दो लोग रह रहे होंगे बिग फैमिलीज आर लिविंग हंड्रेड पीपल टू हंड्रेड पीपल कम से कम भी होंगे तो पचास लोग तो होंगे ही होंगे तो सेवेंटी थाउजेंड विलेजेस वेयर देयर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग वॉज गोंड ट्राइब कितना बड़ा ट्राइबल ग्रुप था एंड दे वेर स्प्रेडिंग एंड दे देवर स्ट्रेचिंग ऑल थ्रू दी गोंडवाना लैंड नाउ वॉट हैपन कि इतना बड़ा किंगडम है हु विड बी लुकिंग आफ्टर राजा वॉज देयर

प्लीज अंडरस्टैंड इसको गढ़ ये वाला गढ़ है ओके okay? जिसको हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश में दिया हुआ है गढ़ एवरी गढ़ जितना भी गढ़ था मतलब जहां पे द रूलर ऑफ द क्लैन वॉज लिविंग जस्ट सी दीज किंगडम्स वे आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट एवरी गढ़ हैड अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन एक ग्रुप होता था बड़ा सा ग्रुप होता था And they were looking after the Gad. Further, this god was divided into 84 villages called Chaurasi. Chaurasi is 84. Asi, Ekasi, Bayasi, Tirasi, Chaurasi. 80 plus 4. Got it? 84 villages were there, which was called as Chaurasi. Okay. Then Chaurasi was further divided into Bharhot. आ, किस तरह से हाउ द थिंग्स वेअर डिसेंट्रलाइज बहुत बड़े से छोटा 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 स्टेट डिवाइड होते होते जस्ट सी हाउ दे वे मैनेजिंग द कंप्लीट सिस्टम तो गढ़ गढ़ से चौरासी एंड चौरासी से बरहोत ओके दिस इज हाउ द सिस्टम वॉज बीन कैरिड ऑन Large states were there. They were changing the nature of the Gond society. Gond society gradually and slowly was changing. What? Kya -kya changes the in Gond societies? Mein? Because changes were happening on a very large scale. What were these changes? Got it. Large states are coming up, and Gond society was changing. In one, the society was divided into unequal social classes. पहले तो इक्वालिटी के लिए लड़ाई की बाद में अनइक्वल सोसाइटी इनकी खुद की डेवलप हो गई ब्राह्मण दे बी बिग दानी महात्मा बहुत सारा दान ये देते थे ओके एंड राज वेयर देयर दे बिकेम वेरी इंफ्लुएंशियल धीरे धीरे क्या होता है एक बार में आप पावरफुल नहीं बन जाते हैं आपको पावर मिलती है फिर उस पावर को एक्सटेंड करना पड़ता है एंड गोंड चीफ अब ये कह रहे थे कि हमको ट्राइबल्स नहीं बोला जाए वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत हमको राजपूत बुलाइए तो अमन दास जो था वन ऑफ द गोंड किंग्स गढ़ा कटांगा गढ़ कटांगा ठीक है अगर हिंदी में इसको कहोगे वी प्रनाउंस इट एज गढ़ कटांग गढ़ गढ़ ठीक है दे एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह अपना नाम इन्होंने क्या रखा संग्राम शाह गोंड ट्राइब यह सब ट्राइबल्स की बात हो रही है इमेजिन ट्राइबल ट्राइबल्स हैम अप टू सच अ पावरफुल पोजिशन वेयर दे आर आई मीन नोन एज डिफरेंट नेम्स और इनका अमनदास जी का जो बेटा था हिज नेम वॉज दलपत क्या नाम था इनका दलपत प्लीज रिमेंबर द नेम्स ही हैड मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती नाम था इनका दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबहान चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा मतलब कि ट्राइबल ग्रुप से थे लेकिन राजा बनने के बाद इन्होंने शादी की राजकुमारी के साथ ही मैरिड द प्रिंसेस द डॉटर ऑफ वन ऑफ द किंग्स चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा तो दैट इज द कांड ऑफ बॉन्ड दे हैड दैट इज द काइंड ऑफ टाइज दे हैड यहाँ पे हल्का सा आप देख लो एक छोटा सा मैप दिया हुआ है चौड़ागढ़ किसको कहते थे गढ़ किसको कहते थे वेरवास कटांगा मांडा पे था मांडला भैरवगढ़ मतलब गढ़ गढ़ मीन्स द प्लेस वेयर द किंग्स यूज टू रिसाइड जहाँ पे राजे महाराजे बहुत ही खुशी खुशी रहते थे दैट प्लेस वॉज कॉल्ड एज अ गढ़ गोंडवाना लैंड का आई एम सॉरी गोंडवाना लैंड की एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पे दी हुई है यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट वंस ओके चिल्ड्रेन चलो विल बी कैरिंग ऑन इन द नेक्स्ट क्लास कैरिंग ऑन विद इट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू